सीजन 14 से सीनियर्स का सफर जो है वो भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस सफर के खत्म होने के बाद हर किसी ने अपनी छाप जो है वो छोड़ी तो है ही। ऐसे में जान कुमार सानू और निशांत मलकानी कौन से सीनियर के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं तारीफ, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। पर आपको बता दूं कि तीनों ही सीनियर्स ने अपना अपना रोल जो है वो बखूबी निभाया है, और लास्ट जब टीम टास्क हुआ है जहाँ पे ये लोग तीनों लीडर्स रहे हैं, तो वहां पर तो और भी ज्यादा अच्छे से अपने टीम के पक्ष के लिए अपनी आवाज जो है सभी ने उठाई है। ऐसे में जान कुमार और निशांत, भले ही निशांत जो है वो हीना की टीम में हो और जान कुमार गौहर की टीम में हो, लेकिन दोनों ने तारीफ करते हुए नजर आए हैं गौहर खान की। यहाँ पर आपको बता दूं कि जिस सूझबूझ के साथ में गौहर खान ने अपने सीजन में खेला था, उसी सूझबूझ के साथ में गौहर खान सीजन 14 में भी नजर आई है, और इसी चीज की तारीफ करते हुए नजर आए हैं जान कुमार सानू और निशांत मलकानी। मैं आपको बता दूं कि जब तीनों सीनियर्स घर से चले गए तो निशांत मलकानी और जान कुमार जो है दोनों एक साथ बात करते नजर आए गौहर खान को लेकर। उनकी काफी ज्यादा तारीफ की गई कि वो काफी ज्यादा सपोर्टिंग है, हेल्पिंग है, साथ ही उन्होंने जिस तरीके से आवाज को उठाया सबके सामने टीम वाले बजर वाले टास्क को लेकर, तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी आवाज को जो है वो बढ़ाया। आवाज बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने भैया चिल्लाना शुरू कर दिया, आवाज उठाने का मतलब यह है कि उन्होंने स्टैंड लिया एक सच्ची चीज के लिए। सिद्धार्थ शुक्ला भी चिल्लाते हैं, लेकिन समटाइम वो सही भी होते हैं, समटाइम वो गलत भी होते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ में बोलना और सामने वाले को सुनना, ये क्वालिटी गौहर खान और हीना खान दोनों में ही है। भले ही घर वाले जो है वो गौहर खान के बारे में बात करते नजर आए हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो हीना में भी है ये सेम। वेल, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग कितना वाकिफ रखते हैं इन सभी बातों से, राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।